दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। भाई आज की वीडियो में हम आया हुए हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव, जो बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है मुंबई में। एंड यहाँ पे बहुत काफ़ी न्यू चीज़ें भी चल रही हैं। मैं मास्क उतार नहीं सकता बिकॉज हमें मास्क उतारने में फ़ाइन लगता है, तो मैं मास्क लगा के ही सारे आपको जगह दिखाने वाला हूँ। ये मॉल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे धीरूभाई अंबानी करके एक मार्क भी आया हुआ है जहाँ पे उनका एक शो होता है। वो शो एक्चुअली शुरू होता है 7:30 बजे के लिए। एंड यहाँ पे मैं लेट हो चुका हूँ बिकॉज अभी बज रहे हैं 8, पर मैं वापस आऊँगा यहाँ पर, आपको वो शो भी दिखाऊंगा। पर अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली ये जियो मॉल में क्या क्या चीज़ें, क्या इज़ इट वर्थ इट, कौन से ब्रांड्स हैं एंड जो हाइप लगाया हुआ है क्या वो वर्थ है आपका ट्रिप लेने के लिए, बिकॉज भाई बीकेसी आते आते बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। जियो ड्राइव के अंदर मैक्सिमम जितने आप ब्रांड्स देखोगे ये वो ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली भाई अगर इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम जियो, भाई पॉकेट फ्रेंडली तो इतना नहीं है। ईच एंड एवरी ब्रांड्स दैट यू सी हियर आर एक्सपेंसिव ब्रांड्स, पर भाई ये ऐसे हैं कि भाई आपके पास पैसे हैं अगर तो ज़रूर आके ये सब एक बार तो ट्राई करके जाओ, बिकॉज सुपर क्वालिटी के एंड सुपर ब्रांड्स मिलते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से जियो का भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा हुआ है कुछ अलग ही लेवल का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नीता अंबानी का ही पूरा दिमाग होगा मैक्सिमम यहाँ पर। जितना भी जियो के अंदर सामान हो रहे हैं, जितने भी अंदर इंटीरियर काम होता है ना, वो नीता अंबानी ही है। तो भाई क्रिकेट में माला जपो या इधर ऐसे सीलिंग पर माला लगा दो, दोनों में नीता अंबानी का ही हाथ है। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, ये तारो वार में लगा के ना इसलिए पैसे बर्बाद किए हैं। जोक्स अपार्ट बट इट्स लुकिंग वेरी गुड। नहीं मैं फोटो नहीं खींच रहा हूँ, मैं तुमको सवाल पूछ रहा हूँ कि तुमको जियो का मॉल ये कैसा लगता है। आई लाइक इट। तुमको पसंद है? I like here. The ambience is nice, interior is nice. And कितनी बार तुम यहाँ पे आ चुकी हो? कितनी बार यहाँ पे आई हो? Maybe 5. 5 बार? Yeah. Or maybe more, I forgot. Maybe 5 to 7. So the last time when I asked you your money, where is your money? You had to give my money back, and you were like कि पैसे खत्म हो गए तो सारे पैसे यहीं उड़ा दिए? नहीं, यहाँ पे झूठी झूठी मूवीज एंड डिनर के लिए आते हो। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही, झूठ। सत्य पॉल का तो भाई आपने नाम सुना ही होगा, महंगे कपड़े बनाते हैं आड़े टेढ़े डिज़ाइन में। नहीं, नॉट ऑफेंडिंग बट ठीक है। अच्छा तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही रूफ़ के अंदर उन्होंने सारे फैशन ब्रांड्स डाल दिए हैं जो बाहर से आए हुए हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड आइडिया। एक ही रूफ के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स डालने का फ़ायदा ये हो जाता है कि भाई स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है एंड आप मल्टीपल ब्रांड्स भी होस्ट कर सकते हो। तो देन अगेन नीता अंबानी इज स्मार्ट। स्नीकर के लिए इतना बड़ा स्टोर मैंने कभी देखा नहीं, वो भी जियो के अंदर। अगर आप लोगों को किसी को भी ये ब्रांड के बारे में पता तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जियो के अंदर स्नीकर बेच रहा हो अभी साइकिलों के ऊपर डिजाइन बना के, भाई पैसे तो बहुत होंगे इनके पास। अरे सुनो यार, जियो के नेटवर्क आ रहे तुम्हारे, घंटा बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं ब्रांड्स तो बहुत ज़्यादा है, प्राइसिंग भी कुछ अच्छी खासी है, बट ओवरऑल इफ़ यू सी द वाइब यू विल फाइंड अ वेरी गुड क्राउड, बिकॉज यहाँ से जो भी आके शॉपिंग करता है ना भाई, वो दे हैव मनी, लाइक दिस इज़ फॉर देम। So that's one very good premium placement Jio has done compared to other people. पीछे देख सकते हो Under Armour। Under Armour is actually one of my favorite brand। मैंने जब सिंगापुर में था, एंड अगर आपने मेरा सिंगापुर वाला व्लॉग नहीं देखा तो मेन चैनल पर भी है एंड इस चैनल पे भी आने वाला है। मैंने वहाँ से खरीदा था, कम माल का प्रोडक्ट है यार, जिम लवर्स के लिए तो अल्टीमेट है। एंड ऑल्सो अगर आपको फैशन के रिगार्डिंग इफ़ यू वांट इंस्पिरेशन, आई लाइक दिस मॉल अ लॉट बिकॉज एवरीथिंग इज सो एस्थेटिक यार, इवन इन द ब्रांड्स एंड इवन द ब्रांड्स के जो लेआउट है ना वो इतने अच्छे एस्थेटिकली बनाए हुए हैं दैट बिकम्स वेरी इट इज़ अपीलिंग टू लुक एट। ठीक है, यू विल फाइंड लाइक इफ आई एम टेलिंग यू फैशन वाइज यू कैन सी फ्यू थिंग्स लाइक दिस। तो अगर आपको लगा कि जियो का अभी ग्राउंड फ्लोर ऐसा तो फर्स्ट फ्लोर कैसा होगा? फर्स्ट फ्लोर इज़ फिल्ड विद मोर हैवी ब्रांड्स एंड लग्जरी गुड्स जो आपने कहीं लोकल नहीं देखा होगा। आई एम टेलिंग यू ये लोग लिटरली बाहर के मेजर प्लेयर्स, मेजर जायंट्स को इंडिया लेके आ गए, वो भी मुंबई में लेके आ गए। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम चेंजर एंड इट्स गोइंग टू बी सो प्रीमियम ना कि मुंबई में आकर जब कोई बोलता था कि प्रीमियम मॉल्स कहाँ पे जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जाके शॉपिंग कर पाएँ, वो हुआ करता था पैलेडियम मॉल। मेजर प्रीमियम प्लेयर्स वहीं पे जाते थे अपने ब्रांड्स को लेके टू गेट द पुश एंड वाइब। बट नाउ बिकॉज ऑफ जियो वर्ल्ड ड्राइव आई थिंक the game is totally changed because the brands right now on the first floor is crazy. Madison Dust perfume है, Vera Moda तो है ही, साथ में Forever New आया हुआ है। You can find Marks and Spencer also here and obviously Da Milano that is also here and ये हमारे घर की चश्मो चिराग। भाई साहब नाइकी ने यहाँ पे 2 फ्लोर्स लिए, ग्राउंड फ्लोर प्लस L1 लिया हुआ है। Crazy, they are actually spending a lot of money here. नाउ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कि भीड़ क्यों नहीं है, रश क्यों नहीं है। आई एम कमिंग हेयर ऑन अ दिस इज़ व्हाट यार, दिस इज़ अ थर्सडे आई एम कमिंग हियर। यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है? भीड़ इसलिए भी नहीं है बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया लोग यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर लोग आ नहीं पाते यहाँ पे, बीकेसी साइड में है तो ज़्यादा साउथ मुंबई के लोग आ पाते हैं। ऑडियंस दैट हु विल बी फॉर दैट सेक्टर इज गोइंग टू बी लेस, दैट्स व्हाई शॉपर्स का जो लेवल है वो कम है। मेजॉरिटी पीपल हु कम डाउन टू दिस साइड दे आर कमिंग फॉर आइदर द मूवी, बिकॉज यहाँ पे मूवी भी है एंड दो तीन चीज़ें और भी हैं, तो आपको वैसा एक पॉइंट है कि लोग उसके लिए यहाँ पे आ जाएं। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कितने लोग मुंबई से हैं एंड कितने लोगों ने जियो वर्ल्ड ड्राइव देख लिया है। यहाँ के जैसे ब्रांड्स हैं ना, जैसे अरमानी एक्सचेंज हो गया, स्कॉच एंड सोडा मेरे पीछे है, एंड यहाँ पे इवन एक ऐसा ब्रांड है जिसके लिए आपको सिर्फ अपनी किडनी नहीं, आपको अपने आसपास के सबकी किडनी बेचनी पड़ेगी, द वन एंड ओनली टीवी मेडर्न। भाई सेकंड फ्लोर इज़ ऑल अबाउट फूड। अगर तुमको ये जैसे खाना बहुत पसंद है तो भाई फूड कोर्ट है यहाँ पे आपके लिए सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पे आप आके वैराइटीज ऑफ चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे वैसे से ब्रांड्स मिलेंगे जो आपको रेगुलर जगह पे देखने को नहीं मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंडिगो। इंडिगो भी है यहाँ पर, देखिए काफ़ी अच्छा लगा। बस इंडिगो का ऑपरेशन जो है ना बंद हो गया था, आरसीटी मॉल के अंदर भी हुआ करता था, वहाँ से वो लोग बंद करके चले गए थे। गुड टू सी कि यहाँ पर भी वो अभी भी जिंदा है बिकॉज कॉन्टिनेंटल फूड के लिए इंडिगो बहुत अच्छा है। और क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली खाने के साथ और भी दो तीन चीज़ें हैं, थोड़ा जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं ना भाई, और क्या क्या यहाँ पे है थर्ड फ्लोर पे। अभी बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, जेब में पैसे भरे पर मैं खर्चा नहीं करने वाला भाई, हसल लाइफ। तो जब मैं आपको दिखा रहा था फर्स्ट फ्लोर के बारे में तब तक मेरे घर वाले ऑलरेडी जाके शॉपिंग कर चुके हैं नीचे, तो ठीक है कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छा है, रीजनेबल है, आप खरीद सकते हो। वेजिटेबल्स वगैरह है, ब्रेड है, ब्रेकफास्ट का सामान है, दैट्स क्वाइट ओके। पर बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी भी हैं, वो तो है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक ठीक मिल गई हैं। देखो मम्मियों का तो वही होता है ना कि कहीं पर भी जाओ तो सब्जी वब्जी खरीदने को घर पे ले जाके वैरायटी मेनू बनाना होता है, ठीक है। तो मॉम अपनी जगह पे सही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने देख लिया हमें कैसे कैसे ब्रांड्स है खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों के लिए लेके, बट या कुछ चीज़ें रीजनेबल है कुछ चीज़ें नहीं है बिकॉज ठीक है भाई जियो का मार्केट भी अलग है, वो आया भी है प्रीमियम लोगों के लिए इस बार, सो दैट द रिच एंड द बिलियनर्स कैन कम एंड शॉप हियर, तो भाई बनता भी है। मोहम देख के बोलती है लगता है यहाँ का खाना बिकता नहीं है क्योंकि भीड़ नहीं दिख रही ना, शी इज यूज्ड टू सीइंग लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू गो टू अ मॉल। अरे ये प्रीमियम मॉल है मैं, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, फूड कोर्ट में खाली है कि कर सकते अपा। जियो के तो भाई बाथरूम भी काफ़ी अच्छे बनाए हैं, यहाँ पर तो व्लॉग करूँगा नहीं मैं, भाई यूट्यूब पे आता है अपन, एक्स वीडियो पे नहीं। ओके होल्ड करो। लेडीज 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 क्या खा रहे हैं? शौर्मा। तो मम्मी क्या चला खाने को? This dish too was tasty, but arayat which was with minced meat inside the naan, I didn't like it at all. क्या है ना कीमा ठीक से भुनना नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बस एक चीज़ नहीं मिल रही मुझे, वो है अच्छी चाय। तो भाई जियो वालों चाय अगर ला सकते हो तो प्लीज़ लेके आ जाना भाई, चाहिए, हर आदमी डाइट कोक नहीं पीता है। कॉफ़ी पीने आ गया हूँ फाइनली, एंड मेरी मम्मी एक्चुअली लाइफ का सेकेंड टाइम स्टारबक्स आई है, तो देखते क्या पीछे खाना नहीं खाना है। अरे खिला दो ना। नहीं मेरे को नहीं, ऐसे 300 रुपए का इतना सा क्या खाने का, चलो कॉफी पीते हैं। मम्मी लेडीज डे स्पेशल, आपको खाना था क्रॉसन आ गया। दोस्तों मेरा आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होता है, मैंने आपको ओवरऑल पूरा दिखा दिया कि भाई यहाँ पे जो जियो वर्ल्ड ड्राइव है वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या चीज़ें मिलती हैं क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं, कितना एक्सपेंसिव है मैंने वो बता दिया है। बस एक फाउंटेन का छोटा सा शो है जो यहाँ पे भी होता है एंड उनका जो वर्ल्ड ट्रेड वाला सेंटर है वहाँ पर भी होता है, यहाँ से कुछ 15 मिनट आगे। बट आपको मेजॉरिटी मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जियो ड्राइव ये कैसा लगा है। एंड मैं साथ में आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में इनका जो थिएटर है वो भी दिखाऊंगा, एंड यहाँ पे एक और अलग से कार थिएटर है ओपन स्पेस वाला, वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे ही देख मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी ऐसी कुछ कमाल की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों प्यार शेयर करते रहना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।